अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? काम वाम तो ये चलते रहते हैं। सबसे पहले इंसान के दूसरे का हाल पूछना चाहिए। अल्लाह सबको अपने बच्चों के साथ हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो मेरे पास आज जो है ना, सब्जियाँ सारी ख़त्म हुई पड़ी थी, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए थे साबित मसर मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आज साबित मसर और साथ में जो है ना वो चावल बना लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग भी मैंने लगाई हुई थी, वो भी कपड़े भी साथ साथ वॉश कर रही थी, तो ये चलो थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा बॉईल वाली, तड़के वाली मैं साबुत मसर की दाल बनाना चाह रही थी, तो इसके लिए मैंने दाल लिया है, एक प्याज और छोटा सा काट है वो इसमें पानी में डाल दिया है। पानी जब गर्म हुआ है तो मैंने इसमें जो है ना साबुत मसर की दाल डाल दी है जो वॉश करके रखी हुई थी। साथ ही मैंने सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक वो डाल के इसको खड़ा कर दिया है, क्योंकि मेरे पास जो है ना सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ी, अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक ये बॉयल होती तो मैं जाके जो है ना सब्ज़ी ले आई, तो मैं चली गई सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि साथ ही है शॉप, वहाँ से मैं सारी सब्ज़ियाँ ले आई। फिर उसमें मैंने हरी मिर्ची और एक छोटा सा टमाटर वो इसमें ऐड करके वो मैंने इसमें डाल दिया। ये बनते रहेंगे और साथ में जो है ना मैंने चावलों का पानी वो रख दिया था, वो भी मैंने के साथ जो है ना वो भी बॉईल कर लूँ चावल अच्छे से। तो चावलों के पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल, नमक और हरा धनिया काट के वो डाल दिया था, क्योंकि जब चावल बॉयल हो जाते हैं तो ये हरा धनिया उसमें और ये ऑयल की वजह से थोड़ा चावल जो है ना वो निखरा निखरा सा तो वो बॉयल होता है अच्छा, और हरा धनिया भी उसमें अच्छा लगता है। तो 1 गिलास जितने मैंने चावल लिए थे बॉयल करने के लिए। असल में चावल इस दफ़ा मैंने लिया है न्यू, पहले मैं यूज़ करती हूँ दूसरा, क्योंकि इस दफ़ा मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल गर्ल खड़ी थी वो कह रही थी ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इस दफ़ा ये लेके जाएं कि चावल अच्छा है, तो ले तो मैं आई हूँ, मैं चेक कर रही थी, लेकिन चावल अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, जैसे मुझे लॉन्ग चाहिए था तो वैसा नहीं था। तो तकरीबन चावल मेरे बॉयल हो गए थे, तो दाल भी मेरी बन चुकी थी, उसमें मैंने उसे साइड पे किया इसलिए हरा धनिया काट के डाला उसमें, और साथ में जो है ना वो लहसुन का तड़का वो मैं करके वो इसमें डाल दूंगी, और साबुत मसर की दाल जो है वो मेरी रेडी है। ये तड़के के लिए लहसुन भी बन गया, ये मैं इसमें डाल के इसका तड़का लगा लेती हूँ साथ में, और खाना रेडी है। अब हम मिल के खाना खाएंगे, उम्मीद है आप लोग भी लंच कर रहे होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यही थी मेरी आज की वीडियो, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूला करें।